हुआ है 7-8 दिन बाद भी, होली के बाद। और वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा न्यूज में इंटरेस्टेड था, बट क्योंकि दिमाग खराब करती है तो मैंने न्यूज सुनना ही बंद कर दिया है। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ लोन, पर मैं ठीक है करंट अफेयर्स बाद में अलग से प्रिपेयर करूंगा। इसके अलावा वुमेन की कंडीशन काफ़ी अच्छी है अब तो, मतलब रूरल एरियाज में नहीं बट सिटीज में तो इनफैक्ट हाइपर फेमिनिज्म है आज की तारीख में। रूरल एरियाज में तो अभी बहुत ज़्यादा, कुछ एरियाज में तो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की भी है, मतलब जला तक देते हैं अपने मतलब फैमिली की जो वुमेन है उनको, मतलब इनफैक्ट जलाना छोड़ो दहेज के लिए मारा पिटा जाता है, वो सारी चीज़ें अभी भी प्रेवेलेंट है रूरल एरियाज में, गाँवों में वगैरह में, दूर दराज एरिया में। उसके अलावा गेज और ट्रांसजेंडर्स की तो हालत बहुत गंदी है इंडिया में, इंडिया में तो बहुत गंदी है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं उनको, नो एक्सेप्टेंस। हमारे दूर दराज कहीं कोई है जिन्होंने अपने आप को शायद सीक्रेटली वो बोलते हैं कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ एंड नोबडी इज गोना एक्सेप्ट हिम, नोबडी। दोस्त है मेरा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है वो, एंड इनफैक्ट इट इज कंसिडर्ड अ शेम टू बी होमोसेक्सुअल इन इंडिया टुडे। उसके अलावा हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा हेट्रेड है हिंदूज में मुस्लिम्स के लिए एंड मुस्लिम्स में हिंदूज के लिए, क्योंकि हिंदूज को लगता है कि मुस्लिम्स उन्हें खत्म कर देंगे, उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, अब्राहमिक्स के लिए बेसिकली, एंड वो मतलब हिंदुइज्म ही खत्म हो जाएगा एक दिन, एंड वाइस वर्सा मुस्लिम से क्रिश्चियनिटी को ये डर है कि इतने ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, हमारे बच्चों को मारते रहते हैं, लोगों को मारते रहते हैं, तो हम सबको एक साथ रहना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और हम सब इनको शायद उखाड़ फेंकेंगे एक दिन, और हम गढ़ों में या फिर मतलब ना गढ़ मतलब इन दैट सेंस, जैसे हमारे एक मुस्लिम वर्कर थे उन्होंने बताया था कि भैया हम तो यहाँ ना गढ़ में रहते हैं पूरा, हमारे हमारे मुस्लिम लोग सभी तरफ। आई थिंक फ्यूचर में शायद थोड़ा कम हो गया होगा ये, शायद मतलब इतने दंगे हो चुके होंगे, थोड़ी शर्म आई होगी इंसानों को, तो दूर कर लिया होगा, कम कर लिया होगा, बाकी तो इंसान सारे हर तरफ, अलग से देश नहीं होता, ऐसा ही कहते हैं कि मूर्खों का अलग से देश नहीं होता, इसी देश में बसते हैं ना, तो अभी भी होंगे उस इरा में भी होंगे शायद डीप फेक टेक्नोलॉजी के बाद। अरे हाँ अभी तो डीप फेक टेक्नोलॉजी भी तो आएगी, अभी तक नहीं आई है बट आने वाली है, तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के बाद तो पता नहीं कितना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होगी इंडिया की, तो बहुत ज़्यादा सेक्टेरियनिज्म बढ़ गया होगा एंड मतलब वर्ल्ड वाइड वैसे वर्ड हर जगह बढ़ गया होगा यार। आई होप मतलब पता नहीं, वैसे चाइना में तो नहीं बढ़ेगा, चाइना बहुत स्ट्रांग कंट्री है यार, उनकी इंटरनेट सेंसरशिप और मतलब पर्सनली मोस्ट डिसलाइक्ड कंट्री है चाइना इस दुनिया में, आज की दुनिया में, क्योंकि वो फ्री नहीं है बेसिकली, बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह सब अच्छी है, बस वो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर मानते हैं बाकियों से, ये उनकी तकलीफ है। अगर वो थोड़े से हम्बल हो जाए ना तो चाइना बेस्ट कंट्री है वर्ल्ड को लीड करने के लिए, मैं यूएसए में बिलीव नहीं करता ऐसा ज़्यादा, बट वैसे अगर हिस्टोरिकली देखो तो यार यूएसए एक नंबर चीज़ है, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर, नेरेटिव वॉर सब जीता उन्होंने, और फ्री होने के बाद जीता वो, तो ये बहुत इंप्रेसिव बात है उनकी, तारीफ, कूडोस कूडोस कूडोस। कैनेडा यूएसए की ही, अमेरिका की ही कॉलोनी है मान लो, नॉन इनफैक्ट पूरी दुनिया में मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज, मैं समझता हूँ 5-6 कंट्रीज के अलावा कोई भी कंट्री आज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो नहीं करती है, सब ना सब कोई ना कोई किसी ना किसी देश के गुलाम होके ही फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका या फिर कुछ हद तक ईयू कह लो, ईयू भी नहीं हटा दो ईयू को, कुछ हद तक थोड़ा सा ब्राज़ील कह लो और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, बस ये हैं जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख सकते हैं, बाकी पाकिस्तान वही करता है जो चाइना कहता है, जो यूएसए कहता था, या फिर सब देश वही करते जो कोई उनका बड़ा मास्टर जो है वो कहता है। यूक्रेन की हालत ख़राब हो गई, नेटो का वो बेस बना रहे थे रशिया के पास में, क्योंकि नेटो के बहकावे में आ गए या फिर उनके मास्टर्स कह रहे हैं, और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने 18 से 60 साल के युवाओं को बंदी बना दिया है अपने देश में, रीज़न बीइंग कि वो लोग अपना देश छोड़ के नहीं जा सकते, जबकि उनकी वाइफ्स, उनकी माएँ, उनकी बेटियां वो देश छोड़ के जा चुकी है, तो 18 साल का लड़का बेचारा जस्ट बड़ा हुआ तो समझ भी नहीं होती उसको, कुछ नहीं मालूम होता, एंड उसे बंदूक दे दी कि लड़ो रशिया से और मरो, वो नहीं भाग सकता वहाँ से, वो भागना चाहे तो भी, ये बहुत गलत चीज़ है मैं ऐसा मानता हूँ आज की तारीख में।
मतलब किससे पूछ के उससे पूछो उसके कितने ड्रीम्स होंगे, वो क्यों जबरदस्ती बंदूक ले और लड़े, मतलब जबरदस्ती क्या है इस चीज में यार। और वहां कितने क्राइम्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, वो हथियार एक दूसरे के अगेंस्ट यूज ले रहे हैं, वो लोग रशियंस भी उनके अगेंस्ट यूज ले रहे हैं यूक्रेनियंस के और रशिया को भी काफी लॉसेस हो चुके हैं और इतनी ज्यादा इकोनॉमिक वॉर करी गई रशिया पे, आई वंडर कि वो एंड पुतिन शायद अपनी फैमिली के साथ किसी सीक्रेट बेस पे जा चुके हैं रशिया के डिक्टेटर की, शायद वो मतलब बार्गेनिंग करने के लिए कहीं और अटैक ना कर दे, ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा था। ठीक है इतना याद आ रहा है, मैं कुछ मुझे कभी और याद आएगा तो मैं बता दूंगा, बाय। ठीक है वैसे इकोनॉमिक बात बता दी मैंने, पॉलिटिकल तो बता ही दिया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यूएसए वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, चाइना का मतलब एक अजीब ही पॉलिटिकल सिस्टम है उनका, काइंड ऑफ उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी है उनके अपने सिस्टम में ऐसा कह लो। रशिया इज डिक्टेटरशिप मोर ऑर लेस, ओलिगार्की है रशिया, इट्स जस्ट नथिंग बट अ गैस स्टेशन विद न्यूक्स एज हरारी सेज। उसके अलावा वी वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, उसके पहले मराठास थे, उसके पहले मुगल्स थे, उसके पहले इंडो ग्रीक्स, शायद नहीं नहीं वेट मुझे नहीं मालूम, मतलब सुल्तान सुल्तान के पहले मतलब राष्ट्रकूताज एंड गुर्जर प्रतिहाराज थे यहाँ, उसके पहले इंडो ग्रीक्स थे, उसके पहले गुप्ताज गुप्ताज हर्षाज, उसके पहले थे इंडो ग्रीक्स एंड उसके पहले थे मौर्यास, हाँ मौर्यास के पहले थे नंदा, नंदों के पहले थे मतलब बुद्धा जैन महावीर ये सब ईरा, उसके पहले वैदिक पीपल थे आर्यंस, आर्यन थ्योरी पे डाउट्स हैं एंड उसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था एंड उसके पहले तो वही ट्राइबल्स वगैरह रहे होंगे, ये ही कॉमन नॉलेज है अभी की। अब बाकी जो हिस्टोरिकल रिसर्चेज आगे बढ़ेगी तो उससे मालूम पड़ेगा। आई होप कि यार तुम लोगों पे कोई क्राइसिस नहीं आ गया हो, कोई अटैक नहीं हो गया हो, तुम लोग कोई लड़ नहीं लिया और शायद बस प्रोग्रेस करते चले गए हो, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, यही है सॉल्यूशन सारी चीज़ों का। बॉर्डर्स ओपन करो, हर्ट्स ओपन करो, एक कॉमन वन वर्ल्ड वन मार्केट की तरफ बढ़ो, वन पासपोर्ट की तरफ बढ़ो, कोशिश करो कि प्यार से रह सको। वैसे तो डीप फेक में इतनी हेट्रेड होगी, इतनी हेट्रेड कल्टिवेट होगी तुम्हारे मनों में, बट आई होप कि इसी के साथ साथ गवर्नमेंट इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर सके कि एक दूसरे को तुम मारते नहीं फिर रहो, मतलब हेट करते हो ठीक है करोगे, कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड अगर ये हो सके कि गवर्नमेंट्स मेडिटेशंस या एक्सरसाइजेस को प्रमोट कर सके तो बहुत ही अच्छा है, होगा नहीं। एंड बेरोजगारी तो तुम्हारे इरा में कितनी भयंकर होगी, मैं सब डरता हूँ कि मैट्रिक्स तो नहीं बन गए होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इकोनॉमिक बार्गेनिंग के लिए तो कुछ बचा ही नहीं होगा, बेरोजगार और सरकार सामने से पैसे देती है, क्या मतलब है ऐसी ऐसी जनता को पालने का जो ना मार्केट का काम कर सकती है, ना प्रोडक्शन का काम कर सकती है, ना कंज्यूमर का काम कर सकती है, तो हटा दो उसको इकोनॉमिक अपने इकोनॉमिक इंजन से, तुम्हें लेटा दिया होगा किसी मशीन के अंदर, की खाओ पियो और मर जाओ इसके अंदर, शायद ऐसा कुछ पता नहीं क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कर चुके होंगे, ये तो मैं नहीं समझता, शायद टेक ओवर तो नहीं किया होगा 100 साल के अंदर तो नहीं किया होगा, उसके बाद कर दे तो मतलब, लेकिन वैसे इसकी स्पीड ही बहुत तेज है, अभी भी कर सकती है, 100 साल में भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इकोनॉमिक बता दिया, पॉलिटिकल बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, कल्चरली बता दिया है कुछ कुछ, ये कल्चर काफ़ी अब तो मतलब वेस्टर्नाइज हो चुका है कल्चर, बस यही है यार। ठीक है बाय।